गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद मी प्रिया राघव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आप ये वीडियो देखते टाइम ये भी सोच रहे होंगे कि प्रिया को क्या हो गया आज, ये क्यों ऐसे बैठी हुई है, इसके बाल क्यों ऐसे हैं। तो हाँ, आज की जो वीडियो है गाइस ये बालों से ही रिलेटेड है। बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, सबको अपने बालों से बेशुमार प्यार होता है। इसके अलावा हमें जो अपने बालों में डेली के लिए चाहिए वो चाहिए सॉफ्टनेस। हमारे बालों में सॉफ्टनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो सॉफ्टनेस के लिए मैं आज एक बेस्ट ट्रिक लेके आई हूँ जो मैं भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर की जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर की थी, तो वो आज भी ये ट्रिक को मेरी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप जो भी कंडीशनर आप अपना यूज़ करते हैं वो आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पर ये डव का कंडीशनर लिया है, डेली शाइन, ये आप देख सकते हैं। और आपको चाहिए एक बाउल। हम अब आपको अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग कंडीशनर लेना है इसमें। जैसे मैंने, आप चाहे तो जब कम पड़ जाता आप बाद में और ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये इतना कंडीशनर निकाल लिया है। और आपके बाल में टैंगल्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी तक बाल वॉश नहीं किए हैं, मैं विदाउट शैम्पू यूज़ कर रही हूँ ये। आप चाहें तो शैम्पू के बाद, जैसे कि आपने अभी शैम्पू किया तो थोड़े से बाल सुखाने के बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं विदाउट शैम्पू ही यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है गाइस, आपको ये हर बार में एक एक जो है बाल को कोम भी करते रहना है। और थोड़ा सा कंडीशनर आपको ये लेना है, और ये ऊपर की रूट छोड़ के थोड़ी सी, तब आपको ये कंडीशनर जो है अप्लाई करना है अपने बालों में। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि आपको इस ट्रिक को मंथ में एक बार, हार्डली दो बार यूज़ करना है, डेली नहीं आपको यूज़ करना, ठीक है जी। और इसके अलावा मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे नोन में, जो जिनको मतलब पहले मैंने बताई थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि इस तरीके से कंडीशनर यूज़ करने में जो है बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे या गिरने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कंडीशनर से कभी आपके बालों को कोई भी डैमेज या टूटते नहीं हैं आपके बाल। कंडीशनर से आपके वो ही बाल टूटते हैं जो आपके बालों में फंसे होते हैं, जो ऑलरेडी टूट गए होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये सारे बालों में आप लगाएंगे, थोड़े थोड़े बाल निकाल के। तो मैं जब तक ये अपनी जो वीडियो है इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे कर देती हूँ ताकि आप देख लें, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने ये कर लिया है अपने पूरे बालों में ही अप्लाई। तो देखिए ये बालों में अप्लाई होने के बाद कुछ ऐसा लुक देगा आपके बालों को, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये जो कंडीशनर आप यूज़ करेंगे, चाहे कोई भी कंडीशनर, वो आपकी स्कैल्प को टच नहीं कर पाए, ठीक है। और ये आपको पूरा टिप तक यूज़ करना है, टिप तक हो सके तो ज़्यादा यूज़ करना। और मेरा ये कंडीशनर थोड़ा सा बच गया है तो मैं इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और जो है वो लगा लेती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप जो है इसको लगाने के बाद एक घंटा आपको रेस्ट देना। और जैसे कि मैं आपको ये फैक्ट दिखाऊंगी कि अगर हम विदाउट शैम्पू यूज़ करते हैं तो इसका क्या रिज़ल्ट आता है, शैम्पू के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका तो आएगा ही अच्छा रिज़ल्ट। और अगर आप इसके बाद, अगर आपको कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी काफ़ी टाइम तक, बाल जो है लंबे टाइम तक आपके सॉफ्ट रहेंगे, एक वीक या दो वीक मेरे तो अच्छे टाइम तक रहते हैं, मैं बहुत कम शैम्पू के बाद कंडीशनर फिर यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई हैं, डैमेज हैं, तो जब आपको लगे कि हाँ आपके बाल में अब नहीं है, वो सॉफ्टनेस आपके बालों में ख़त्म हो गई है, तो आप शैम्पू के बाद तभी आप कंडीशनर करें। इससे आपके बालों में बहुत लंबे टाइम तक जो है सॉफ्टनेस रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस वाले ट्रिक को महीने में एक बार यूज़ करें, हार्डली दो बार। और जिनके बाल बड़े हैं उनको पूरा बॉटल ये शायद लग सकती है, बट हाँ इससे बाल आपके सॉफ्ट रहेंगे, ये गारंटी है। तो अभी ये हो चुका है रेडी, तो अभी मुझे एक घंटा लगा के रखना है।
तो अब मैं इसको एक घंटा लगा के वॉश करके तब आके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ओके गाइस, One hour later. So guys, बाल वॉश करने के बाद मैं वापस आई हूँ। ये जो इसका जो इफेक्ट है, मैं आपको इफेक्ट दिखाती हूँ इसका। ये जो बाल हैं, ये बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं इस टाइम। आई जस्ट लव इट, बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं। एंड इसके अलावा ये जो इफेक्ट है, ये जो रिजल्ट है, ये विदाउट शैम्पू है। आप इसको शैम्पू के साथ भी कर सकते हैं और घर में यूज़ कीजिए गाइस। और इस मैंने जो आज आपको बताया है, ये कंडीशनर को एक डिफरेंट तरीके से यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया है। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यूज़ कीजिए रेमेडी अपने बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए। साथ ही जो हम गर्ल्स होते हैं, बॉयज़ भी आजकल के टाइम में स्मूदनिंग, रिबॉन्डिंग एंड कलरिंग, हम अपने बालों में इतने सारे केमिकल्स हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से सॉफ्टनेस जो एकदम गायब हो ही जाती है हमारे बालों से। बट ये जो ट्रिक है आपकी, ये आपके बालों को सॉफ्टनेस जो है बरकरार रखेगी आपके बालों में। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार चाहिए अभी आपका। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। एंड जो ट्रिक्स है मैं आपके लिए आगे के लिए, जो भी अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो लेके आती रहूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरी वीडियोज़ को अभी आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है गाइज। तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट, डू शेयर। एंड तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट मिस माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।